अगर आप इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहां पर भी हम डिफरेंट कंटेंट आपके लिए लगाते हैं। तो इससे पहले भी हम जो है रेगुलर बेसिस पे ही पॉलिटिकल वीडियोस के ऊपर जो है वो अपना रिव्यू दे रहे होते हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हमारी तो जाकर देख लें। लेट्स सी के इस वीडियो में हम क्या। ओके ओके नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहां पे आप लोग ठीक पढ़ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पाकिस्तान को एक आर्थिक संकट से बचाने के लिए। हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के साथ IMF की एक डील तय हो चुकी है, $3 बिलियन पाकिस्तान को मिल जाएंगे अंडर IMF पैकेज। और ये सब करने में USA ने एक की रोल निभाया है। और उसके अलावा अब सिंस पाकिस्तान को एडिशनल $3 बिलियन का और लोन मिल जाएगा फ्रॉम IMF, तो जो अब पाकिस्तान का टोटल कर्ज है ना IMF को, सिर्फ IMF की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इससे पाकिस्तान IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है। इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान के ऊपर भी कई देश हैं जिनके और भी बहुत ज़रा बड़े IMF पैकेजेस चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिंस पाकिस्तान फोर्थ बिगेस्ट डेटर बन चुका है IMF का, इसका मतलब क्या है, बाकी कंट्रीज कौन कौन सी है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने दुनिया भर में एक एग्जाम्पल सेट किया है अपनी सारी सुपर मार्केट्स में प्लास्टिक बैग्स बंद करके। जी हाँ, हर टाइप के प्लास्टिक बैग्स अब इस कंट्री की सुपर मार्केट्स में बैन कर दिए गए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड या फिर जर्मनी। इस पर रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ यूजुअली आप देखोगे जब भी एक देश IMF की तरफ बढ़ता है ना तो उस कंट्री का स्टॉक मार्केट क्रैश करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि IMF लिटरली आप कह लीजिए एक इकोनॉमिक हॉस्पिटल है। जब एक देश को कहीं और से कर्ज नहीं मिल रहा होता तब वो जाता है एक IMF प्रोग्राम के पास। मगर पाकिस्तान के केस में उल्टा हुआ है, जैसे ही पाकिस्तान का IMF पैकेज अप्रूव हो गया ना, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में एक अपटिक देखा गया। 15 महीनों से जो इनकी स्टॉक मार्केट लगातार गिर रही थी वहाँ पे सडनली एक अपस्विंग आ गया। अगेन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, इसका रीज़न सिंपली ये है कि पाकिस्तान को IMF के एडिशनल लोन की आवश्यकता होगी। ये बात सबको पता थी 2-3 साल से, मगर ये लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, किन शर्तों पे मिलेगा, इसके बारे में एक आप कह लीजिए मिस्ट्री बनी हुई थी कि IMF का लोन पाकिस्तान को एंड में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बट अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान को लोन मिला है, अब इतना कर्ज पाकिस्तान ने IMF से ले लिया है कि IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, पाकिस्तान के भी ऊपर कंट्रीज हैं, तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो पाकिस्तान का जो टोटल अब कर्ज है ये पहले $7 बिलियन के आसपास था, अब इसमें $3 बिलियन और ऐड हो गए हैं IMF के, तो टोटल कर्जा पाकिस्तान पे अब हो चुका है $10.4 बिलियन। जी हाँ, यहाँ पे ये बात समझने वाली है, ऐसा नहीं है कि IMF ने पहले पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया था। इससे पहले 2014 में IMF ने पाकिस्तान को एक प्रोग्राम के अंडर बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे, अब उसके ऊपर एक और इनका नया प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। मगर इस $10 बिलियन के कर्ज के साथ भी पाकिस्तान की रैंक है फोर्थ, क्योंकि नंबर वन पे है द किंग ऑफ डेट अर्जेंटीना। इस कंट्री के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी एक महीने पहले, आपको बताया था कि अर्जेंटीना को लिटरली वर्ल्ड मीडिया कहता है द कंट्री ऑफ बैगर्स। जिस तरीके से अर्जेंटीना की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में गिरी है शायद ही किसी कंट्री की गिरी होगी। आज भी आप देख लीजिए वहाँ पर लगातार भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और IMF का जो टोटल कर्जा है अर्जेंटीना पर ये $46 बिलियन है। फिर इजिप्ट आपको मिलेगा सेकेंड नंबर पे। जी हाँ, इजिप्ट पर IMF का $18 बिलियन का कर्ज है। फिर यूक्रेन देश आपको मिलेगा। जी हाँ, यूक्रेन की आर्थिक हालत बहुत ज़रा कमज़ोर है, इनका भी एक IMF प्रोग्राम चल रहा है और यूक्रेन को IMF ने दिए हैं टोटल $12 बिलियन। मगर मैं आपको ये बता दूँ, जिस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है
मोस्ट प्रोबेबली ये यूक्रेन को बीट कर देंगे और आईएमएफ का बहुत ही जल्द तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार बन जाएगा पाकिस्तान। नाउ यहाँ पर मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि आईएमएफ के कर्ज की ना एक बहुत ही अच्छी बात तो मैं ये कहूँगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, खराब बातें भी आपको भी बताऊँगा, मगर आप लोन अगर उठाते हो बॉन्ड मार्केट से, पाकिस्तान जैसा देश ओपन मार्केट में जाता है कहता है हमको कर्ज दे दो, तो हर कोई कहेगा पाकिस्तान को कि अपने बॉन्ड के बदले हमें एनुअली जो बॉन्ड का यील्ड है, इंटरेस्ट रेट जो तुम वापस दोगे हमको, वो तुम 10% से लेकर 15% के आसपास दो, बहुत ज़रा हाई है। चाइना भी पाकिस्तान को ये कहता है कि 7% के आसपास हम चार्ज करेंगे, जबकि आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को मिल जाता है 3.2% का, जो अभी लेटेस्ट लोन है ये 3.2% का मिला हुआ है, इससे पहले का जो इनका लोन चल रहा था ये 2% का है। और अगर आप इंटरेस्ट को देख कर कह रहे हैं कि वाह आईएमएफ से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, सब लोग फिर आईएमएफ का लोन ही क्यों नहीं लेते। देखिए पहली बात तो आईएमएफ बहुत ही मुश्किल से लोन बांटता है बहुत स्क्रूटनी के बाद, और उसके बाद देखिए आईएमएफ ने बहुत ज़रा कड़ी शर्तों में पाकिस्तान को लोन दिया है। इसमें से दो ऐसी शर्तें हैं जो डायरेक्टली पाकिस्तान की जनता को हिट करेगी। पहली बात तो देखिए आईएमएफ ने ये मनवा ली है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान जो सब्सिडी देता है अपने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वो सब्सिडी पाकिस्तान को ख़त्म करनी होगी। पाकिस्तान में आप देखो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं हैवीली सब्सिडाइज होते हैं, तो जैसे ही ये ख़त्म होगा इनकी मिडिल क्लास पर एक हैवी बर्डन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इनके आया करेंगे। नाउ ये अनाउंसमेंट ये लोग इलेक्शन से पहले करेंगे, बात करेंगे, ये देखना होगा। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि पाकिस्तान की सरकार को अब ये कह दिया गया है कि अपने जो बंदरगाह हैं, अपने एयरपोर्ट, अपनी ज़मीनें, हाईवे वगैरह या तो बेचना स्टार्ट कर दो, या फिर इनको 10, 20 या फिर इवन 50 साल के लिए लीज़ पर भी दे दो। आप लोग जान के हैरान होंगे कि आज के समय पाकिस्तान की कैपिटल में जो इनका मेन एयरपोर्ट है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ये भी बहुत ही जल्द लीज़ पर चढ़ जाएगा। मतलब कोई देश या फिर कोई कंपनी इस एयरपोर्ट को ओन करेगी और उसके बदले हर साल वो पाकिस्तान को पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे इस्लामाबाद हैज़ डिसाइडेड टू लीज़ आउट फर्स्ट फेज ऑफ द न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। नाउ अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं मोस्ट प्रोबली चाइना के ही होंगे, और अब होगा बेसिकली क्या कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बहाने चाइना और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस है पाकिस्तान की, इनके एयरपोर्ट, इनके बेसिस, इन पर अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर लेगा। लिटरली आप कह लीजिए जो पाकिस्तान का एक आखिरी धक्का लगना था टुवर्ड्स चाइना, ये अब कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं वेट आईएमएफ ने टोटल पाकिस्तान को $10 बिलियन दे रखे हैं, तो अभी भी इनको उसके बियॉन्ड भी अपने लोगों की सब्सिडी कम करनी पड़ेगी, अपने जो एसेट्स हैं ये बेचने पड़ेंगे। तो इसका आंसर है हाँ, पाकिस्तान को देखिए आने वाले 3 सालों में $77 बिलियन लौटाने हैं। और इसी साल आप देखोगे, ये तो खैर 3 साल की मैंने बात करी है, इसी साल आप देखोगे पाकिस्तान को $22 बिलियन वापस करने होंगे। इनका फॉरेक्स रिजर्व अभी $9 बिलियन के आसपास है। आईएमएफ इनको अगर मान लो 5-6 बिलियन और भी एक्स्ट्रा दे देना, तब भी इस अमाउंट के ये लोग आसपास नहीं जाएंगे। तो इन दी एंड वही होगा जो मैंने आपको कहा था, ये देश अब बिकना शुरू हो जाएगा। अब हम बेसिकली एक ऐसे फेज़ में आ गए हैं जब पाकिस्तान लिटरली इनके जो भी इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं वगैरह सब ओपनली या तो लीज आउट होंगे या बिकेंगे। बट इस सब के बावजूद बहुत सारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो ओपनली कह रही हैं कि अभी भी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क है कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, ये रिस्क अभी भी बना हुआ है। और ये रिस्क सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, यूएन ने कुछ महीने पहले ये कहा था कि टोटल 50 गरीब देश है दुनिया भर में जो बिल्कुल बैंक्रप्सी की कगार पे है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, हम लोग एक ग्लोबल डेट क्राइसिस के बिल्कुल किनारे पे हैं, और जैसे ही ये क्राइसिस शुरू होगा कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया की एक बड़ी आबादी एब्सोल्युटली बैंक्रप्ट हो जाए, एटलीस्ट इनकी जो सरकारें हैं, जो इनकी कंट्रीज़ हैं, ये बिल्कुल अपने आप को दिवालिया घोषित कर ले। आज से कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जहाँ पर यह बताया गया था कि दुनिया में हर 5 में से 1 आदमी है जो एक ऐसे देश में रहता है जो बिल्कुल एक डेट डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं सिंपली ये नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम पाकिस्तान की है या फिर अर्जेंटीना या फिर कुछ और कंट्रीज़ की है, एक ग्लोबल डेट क्राइसिस शुरू हो चुका है। और जब इतने सारे देश इकट्ठा डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे उसके बाद आप देखोगे एक असली टेस्ट शुरू होगा आईएमएफ का। एक पॉसिबिलिटी कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आईएमएफ को ऑल टुगेदर या तो अपग्रेड करना पड़े, या फिर आईएमएफ ने कई कंट्रीज़ को जैसे कि इंडिया, फ्रांस, चाइना और इवन यूएस, इन सब कंट्रीज़ को एडिशनल पैसा डालना पड़े, क्योंकि फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है आने वाले समय में ये आसमान छूने वाली है।
तो इवन दो पाकिस्तान को फॉर द टाइम बीइंग आईएमएफ की फंडिंग मिल चुकी है, बट अभी भी मैं कहूँगा एक ग्लोबल डेट क्राइसिस बहुत ज़रा करीब है और ये जो टॉपिक है इन द फ्यूचर बहुत ही ज़रा न्यूज़ में रहेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो आपके लिए मैं बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने थिन प्लास्टिक बैग्स ऑल टुगेदर बैन कर दिए हैं सुपरमार्केट में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। यहाँ पे आप देख पाओगे न्यूजीलैंड टू बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स एट सुपरमार्केट। एक बहुत ही बड़ा कदम है और पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद कि ऑस्ट्रेलिया भी सेम स्टेप्स उठाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अकेडमी के कोर्सेज पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए बोला ना क्लिक कर यहां पे आप परचेज कर पाएंगे एसएससी का कोर्स। और यहां पे आप देख पाओगे जो भी पहले से पता है ये आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहां पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी और 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा कोर्स भी आपको मिलेगा फ्रॉम एन एकेडमी। ये ऑफर जो है मुझे समझ नहीं आया जैसे अभी हमने मेजर एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का और जैसे मैं हमेशा कहता हूं मे द गॉड वॉच ओवर यू। आईएमएफ से जिस दिन कर्जा मिला उस दिन ही हमने वो वीडियो आई थी यार किस बात की लोग मिठाइयां बांट रहे हैं क्यों खुशियां मना रहे हैं व्हाई पीपल आर डूइंग दिस लाइक एक कर्जा आपको मिल गया है कि अब उनको मिल गया है तो अब उनके जो स्टॉक मार्केट्स वगैरह हैं वो ऑब्वियसली हम स्टॉक मार्केट्स में फर्क पड़ा है तो उस वजह से टेंपरेरी खुशी तो फर्क पड़ा है तो बट लॉस भी तो है ना पीछे का। उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताई जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की सब्सिडी कट जाएगी बिग थिंग क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं बहुत हाई हैं। मतलब अगर तो आप बिल्कुल ही मिडिल क्लास हो तो फिर तो बहुत हाई है बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पे हर चीज के बिल्स हाई हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हर चीज़ लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का भी ये हो गया है कि इतना ज्यादा बढ़ गया और मैं सोच रही हूँ कि अब इससे ज्यादा ये क्या ही जाएगा इससे ज्यादा इस लेवल पर अब ये चला जाएगा बहुत ज्यादा ऑलरेडी हर चीज के बिल्स हैं और अब इससे भी ज्यादा हो गए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तभी पता है मैंने अभी जो है ना एक व्लॉग देख रही थी वहाँ यूट्यूब पे और उसके अंदर जो है ना मैं देख रही थी कि एक पाकिस्तानी है यूट्यूबर वो ना जा रहे थे दुबई तो ना उन्होंने कहा कि हम लोग ना दुबई से होते हुए बाली जा रहे थे तो उन्होंने लिटरली वो जो शूट की कि वो जो पैसेज वे होता है ना जिससे जब आप एयरपोर्ट से गुजरते हो जो पैसेज वे होता है उसके अंदर लिटरली इतना रश था यानी कि पाकिस्तानी लोग थे वहाँ से मतलब अपना जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दुबई जाने वाली फ्लाइट के लिए इतने पाकिस्तानी लोग थे। उन्होंने बोला कि देखिए इतने पाकिस्तानी लोग दुबई जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यू वगैरह की बस यानी कि आपको हार नज़र नहीं आ रहा अपना वो पैसेज भी इतना भरा हुआ है यहाँ से वहाँ की फ्लाइट के लिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये बस है कि क्या है बिकॉज इतने लोग जा रहे हैं काफी लोग ऐसे हैं और अभी से नहीं पिछले कई सालों से ये सिलसिला जारी है। इसकी जो शरह है वो और बढ़ गई है इसका यहाँ से हर कोई जो है वो दुबई सऊदी जाता है हर बंदा क्योंकि वहीं इजीली आप पहुंच सकते हो यूके वगैरह का तो वीजा मिलता नहीं है आसानी से तो यहाँ पे सऊदी और वो लोग वेलकम कर लेते हैं वो मिल जाता है लेकिन वो भी कब तक एक स्टॉप पॉइंट तो उनका भी है ना वो कब तक ही उनको वेलकम करेंगे एक पॉइंट पे वो तो ये कहेंगे ना कि बस भाई अब हम नहीं आप ये सोचो जिनको भी कुछ करना है ना वो 2025 के अंदर अंदर सोचें क्योंकि 2025 के बाद एज ही सेड और जितना हमने जो है वो देखा है बिलियन दे रहे हैं यार उसकी बात नहीं है यार पिछला वाला कहाँ से हो गया पिछला और वाला इस साल 22 बिलियन दे रहे हैं हमें जो कि वो भी हमारे बस की बात नहीं है तो टेक्निकली हम लोगों को चीजें सेल करनी पड़ेंगी या चीजें गिरवी रखनी पड़ेंगी जो कि बहुत बड़ी बात है इस तरह से तो पूरा और ऐसे में हमारे पॉलिटिशियंस आई डोंट नो कि वो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं मुझे नहीं लगता कि वो हैंडल करेंगे एट द एंड ऑफ द डे यही होगा कि वो लोग चल जाएंगे सब अपने फॉरेन कंट्रीज जहां पे उनका सांस है सो या दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ अगर आप कोई हमारी वीडियो देखना चाहते हैं किसी पे जो है हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं बट साथ में लिंक लाजमी भेजिएगा ताकि हम जो है उसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन दें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह।